कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, मंत्री परिषद में मेरे साथी प्रहलाद जोशी जी, संसद में हमारे वरिष्ठ साथी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी, परम पूज्य स्वामी निर्मलानंद नाथ स्वामी जी, परम पूज्य श्री श्री शिवरात्रि देशी केंद्र स्वामी जी, श्री श्री विश्व प्रसन्न तीर्थ स्वामी जी, श्री श्री नंजावजा स्वामी जी, श्री श्री शिवमूर्ति शिवाचार्य स्वामी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगी गण, सांसद गण, भाई सिटी रवि जी, दिल्ली कर्नाटका संघ के सभी सदस्यगण, देवी और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज दिल्ली कर्नाटका संघ एल्लादुरु इरु एतादरु इरु एंदेलिगुने कन्नड़ावागिरु, ऐसी गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। दिल्ली कर्नाटका संघ के 75 वर्षों का यह उत्सव ऐसे समय में हो रहा है जब देश भी आजादी के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहा है। जब हम 75 वर्ष पहले की परिस्थितियों को देखते हैं, उनका आकलन करते हैं, तो हमें इस प्रयास में भारत की अमर आत्मा के दर्शन होते हैं। दिल्ली कर्नाटका संघ का गठन दिखता है कि आजादी के उस प्रथम पहर में किस तरह लोग देश को मजबूत करने के मिशन में जुट गए थे। मुझे खुशी है कि आज आजादी के अमृतकाल के पहले प्रहर में भी देश की वो ऊर्जा, वो समर्पण आज उतना ही जीवंत नजर आता है। मैं इस अवसर पर इस संघ का सपना देखने वाली, इसे साकार करने वाली सभी महान विभूतियों को नमन करता हूं। और 75 साल की यात्रा सरल नहीं होती है, अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, अनेक लोगों को साथ लेकर के चलना पड़ता है। 75 साल तक जिन जिन लोगों ने इस संघ को चलाया, आगे बढ़ाया, विकास किया, वे सबके सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं कर्नाटका के लोगों को भी राष्ट्र निर्माण के उनके प्रयासों के लिए प्रणाम करता हूं। साथियों, भारत की पहचान हो, भारत की परंपराएं हो या भारत की प्रेरणाएं हो, कर्नाटका के बिना हम भारत को परिभाषित नहीं कर सकते। पौराणिक काल से भारत में कर्नाटका की भूमिका तो हनुमान की रही है। हनुमान के बिना
न राम होते हैं न रामायण बनती है। युग परिवर्तन का कोई मिशन अगर अयोध्या से शुरू होकर रामेश्वरम जाता है तो उसको ताकत कर्नाटका में ही मिलती है। भाइयों बहनों, मध्यकाल में भी जब आक्रांता भारत को तबाह करने का प्रयास करते हैं और सोमनाथ जैसे शिवलिंग तोड़े जाते हैं तो कर्नाटका के देवरा दासी भैया, मादरा चिन्नैया, डोहर कक्कैया और भगवान बसवेश्वरा जैसे संत जन जन को इष्टलिंग से जोड़ देते हैं। जब देश पर बाहरी ताकतें हमला करती हैं तो रानी अबक्का ओना के ओ बाबा, रानी चिन्नम्मा और क्रांतिवीरा संगोली रायन्ना जैसे वीर उनके सामने दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। आजादी के बाद भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पहले वाइस चांसलर महाराजा कृष्ण राजा आडियर से लेकर फील्ड मार्शल के.एम. करीबप्पा और भारत रत्न एम विश्वेश्वरैया तक कर्नाटका ने हमेशा भारत को प्रेरित भी किया है और आकर्षित भी किया है। और अभी हम पूज्य स्वामी जी से काशी के अनुभव सुन रहे थे। साथियों, कन्नड़ा के लोगों ने हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जिया है। उसकी प्रेरणा उन्हें कर्नाटका की धरती से ही मिलती है। राष्ट्र कवि कुवेंपु की रचना नाड़ा गीते हम अभी सभी ने उसको सुना और पूज्य स्वामी जी ने जो उसकी व्याख्या की, कितने अद्भुत बोल है। जय भारत जननी या तनु जाते, जय है कर्नाटका माते। कितनी आत्मीयता से उन्होंने कर्नाटका माते की स्तुति की है। इसी में उन्होंने कहा है कि वो भारत माता की तनु जाते हैं। इस गीत में भारत भर की सभ्यता का भी वर्णन है और कर्नाटका के महत्व और भूमिका का भी जिक्र है। जब हम इस गीत के भाव को समझ लेते हैं तो हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी समझ जाते हैं। साथियों, आज जब भारत G20 जैसे बड़े वैश्विक समूह की अध्यक्षता कर रहा है तो लोकतंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में हमारे आदर्श हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अनुभव मंटपा के जरिए भगवान बसवेश्वरा के वचन, उनके लोकतांत्रिक उपदेश भारत के लिए एक प्रकाश की तरह है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे लंदन में भगवान बसवेश्वरा की मूर्ति के लोकार्पण का, हमारे इस गौरव के विस्तार का मौका मिला। साथ ही अलग अलग भाषाओं में उनके वचनों को रिलीज करने का मुझे अवसर भी मिला। ये उपलब्धियां इस बात का सबूत है कि कर्नाटका की विचार परंपरा भी अमर है
उसका प्रभाव भी अमर है। साथियों, कर्नाटका ट्रेडिशंस की धरती भी है और टेक्नोलॉजी की भी धरती है। यहां हिस्टोरिक कल्चर भी है और मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। अभी आज सुबह ही मैं जर्मन चांसलर से मेरा मीटिंग थी और मुझे खुशी है कि कल से उनका कार्यक्रम बेंगलुरु में हो रहा है। आज G20 समूह की भी एक बड़ी बैठक बेंगलुरु में चल रही है। साथियों, मैं किसी भी राष्ट्राध्यक्ष से मिलता हूं तो मेरा प्रयास होता है कि वो प्राचीन और आधुनिक भारत की दोनों तस्वीरें देखे। ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी, यही आज नए भारत का टेम्परामेंट भी है। आज देश विकास और विरासत को, प्रोग्रेस और परंपराओं को एक साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। आज एक और भारत अपने प्राचीन मंदिरों को, सांस्कृतिक केंद्रों को पुनर्जीवित कर रहा है, तो साथ ही हम डिजिटल पेमेंट के मामले में वर्ल्ड लीडर भी बन जाते हैं। आज का भारत हमारी सदियों पुरानी चोरी हुई मूर्तियों को, आर्टिफैक्ट्स को विदेशों से वापस ला रहा है और आज का भारत विदेशों से रिकॉर्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी लेकर आ रहा है। यही नए भारत का वो विकास पथ है जो हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक लेकर जाएगा। साथियों, आज देश के लिए और कर्नाटका की सरकार के लिए कर्नाटका का विकास एक सर्वोच्च प्राथमिकता है। पहले एक समय ऐसा भी था जब कर्नाटका में सरकार बनाकर लोग यहां के पैसे को बाहर ले जाते थे, लेकिन आज देश का पैसा, देश के संसाधन कर्नाटका के विकास के लिए ईमानदारी से समर्पित किए जाते हैं। आप देखिए, 2009 से 2014 के बीच केंद्र की तरफ से कर्नाटका राज्य को सालाना 11,000 करोड़ रुपए दिए जाते थे एवरी ईयर, जबकि हमारी सरकार में 2019 से 2023 के बीच अब तक केंद्र की ओर से 30,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। 2009 से 2014 के बीच कर्नाटका में रेल परियोजनाओं के लिए कुल मिलाकर 4,000 करोड़ रुपए से भी कम खर्च किए गए और एक रेल मंत्री तो कर्नाटका के ही थे। 4,000 करोड़, यानी 5 साल में 4,000 करोड़ रुपए से भी कम, जबकि हमारी सरकार ने इसी बार के बजट में कर्नाटका के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करीब 7,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इस वर्ष की बात कर रहा हूं मैं। नेशनल हाईवे के लिए भी पिछली सरकार के 5 वर्षों में कुल मिलाकर 6,000 करोड़ रुपए कर्नाटका के लिए दिए गए, लेकिन इन 9 वर्षों में हमारी सरकार ने हर वर्ष 5,000 करोड़ का निवेश कर्नाटका में किया गया। कहां 5 साल में 6,000 करोड़, कहां हर साल 5,000 करोड़। साथियों, हमारी सरकार द्वारा लंबे समय से चली आ रही
अपर भद्रा प्रोजेक्ट की मांग को भी पूरा किया जा रहा है। इससे तुमकुरु, चिकमंगलोर, चित्रदुर्ग और दावणगेरे सहित सेंट्रल कर्नाटका के बड़े सूखा प्रभावित क्षेत्र को लाभ होने वाला है, मेरे किसानों का कल्याण होने वाला है। ये विकास की नई रफ्तार कर्नाटका की तस्वीर को तेजी से बदल रही है। आप में से जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, लंबे समय से अपने गांव नहीं गए हैं, आप जब वहां जाएंगे तो आपको आश्चर्य भी होगा, गर्व भी होगा। साथियों, दिल्ली कर्नाटका संघ के 75 वर्षों में उन्नति, उपलब्धि और ज्ञान के उत्कर्ष के कई महत्वपूर्ण क्षण हमारे सामने आए हैं। अब अगले 25 वर्ष और भी महत्व के हैं। अमृतकाल और दिल्ली कर्नाटका संघ के अगले 25 वर्षों में आप कई महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। जिन दो चीजों पर आप फोकस कर सकते हैं वो है कली के मत्तू कले, यानी ज्ञान और कला। अगर हम कलिके की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारी कन्नड़ा भाषा कितनी सुंदर है, इसका साहित्य कितना समृद्ध है। साथ ही साथ कन्नड़ भाषा की एक और विशेषता है, ये वो भाषा है जिसे बोलने वालों में रीडिंग हैबिट बहुत स्ट्रांग होती है। कन्नड़ भाषा के पाठकों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। आज किसी कन्नड़ में कोई अच्छी नई किताब आती है तो कुछ ही हफ्तों में पब्लिशर को उसे रीप्रिंट करवाना पड़ता है। और भाषाओं को ऐसा सौभाग्य नहीं है जो कर्नाटका में है। आप में से दिल्ली में रहने वाले साथी जानते होंगे कि अपने मूल राज्य से बाहर रहने वाली नई पीढ़ी के लिए भाषा की कठिनाइयां कितनी बढ़ जाती है। इसलिए चाहे जगतगुरु बसवेश्वर के वचन हो या फिर हरिदास के गीत, चाहे कुमार व्यास द्वारा लिखित महाभारत का संस्करण हो या फिर कुवेंपु का लिखा रामायण दर्शनम, इस विशाल धरोहर को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मैंने सुना है कि आप लाइब्रेरी भी चलाते हैं, आप नियमित रूप से स्टडी सर्कल, सेशंस, साहित्य संबंधित चर्चा, बार बार अनेक कार्यक्रम आप आयोजित करते रहते हैं। इसे और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। इससे आप दिल्ली के कन्नड़ी गांवों के बच्चों को कन्नड़ में पढ़ने की आदत विकसित करने में मदद कर सकते हैं। इस तरह की प्रयासों से कली के यानी ज्ञान का जो प्रसार होगा वो दिल्ली के कन्नड़ लोगों के साथ साथ दूसरों को भी प्रभावित करेगा। कन्नड़ा कलियरी यानी कन्नड़ सीखना और कन्नड़ा कलीसिरी यानी कन्नड़ सिखाना, दोनों में मदद होगी। साथियों, कली के साथ कले यानी आर्ट के क्षेत्र में भी कर्नाटका ने बहुत असाधारण उपलब्धियां हासिल की है। मैं आभारी हूं, उस कार्यक्रम में इतने कम समय में मुझे पूरे कर्नाटक के कल्चरल को इसकी यात्रा करने का मौका मिल गया। कर्नाटका क्लासिकल आर्ट
और जानपद आर्ट दोनों में समृद्ध है। कंसाले से लेकर संगीत की कर्नाटका शैली तक, भारतनाट्यम से लेकर यक्षगान तक, कर्नाटका की हर कला हमें आनंद से भर देती है। पिछले कई वर्षों से दिल्ली कर्नाटका संघ ने कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए हैं, लेकिन अब इन प्रयासों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जरूरत है। मेरा आग्रह है कि भविष्य में जब भी कोई कार्यक्रम हो तो हर डेली कन्नाडिगा फैमिली ये प्रयास करे कि उनके साथ एक गैर कन्नड़ परिवार भी शामिल हो, ताकि वो कर्नाटका के वैभव के साक्षी बन सके और कर्नाटका की समृद्ध कलाओं का आनंद ले सके। कन्नड़ संस्कृति को दिखाने वाली कुछ फिल्में गैर कन्नड़ लोगों में भी बहुत लोकप्रिय हुई है। इससे लोगों में कर्नाटक को जानने समझने की जिज्ञासा बढ़ी है। हमें इस जिज्ञासा का उपयोग करना है। साथ ही मेरी आपसे एक और अपेक्षा है, कर्नाटका के कलाकार, प्रबुद्ध लोग जो यहां आए हैं, आप दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल, पीएम म्यूजियम और कर्तव्य पथ जैसी जगहों पर जरूर जाना, उसके बाद ही वापस जाना। आपको ऐसा बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो आपको गर्व से भर देगा। आपको लगेगा कि ये काम बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। मैं चाहूंगा कि आप यहां के अनुभवों को कर्नाटका के लोगों को भी बताएं। साथियों, इस समय दुनिया भारत की पहल पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रही है। कर्नाटका तो भारतीय मिलेट्स यानी सिरी धान्या का प्रमुख केंद्र रहा है। आपका श्री अन्न रागी कर्नाटक की संस्कृति का हिस्सा भी है और आपकी सामाजिक पहचान भी है। कर्नाटका में हमारे येदियुरप्पा जी के समय से ही श्री धान्या के प्रमोशन के लिए कार्यक्रम भी शुरू किए गए थे। आज पूरा देश कन्नडिगाओं के रास्ते पर चल रहा है और मोटे अनाजों को श्री अन्न बोलना शुरू कर दिया है। आज जब पूरा विश्व श्री अन्न के फायदों और इसकी जरूरत को समझ रहा है, तो आने वाले समय में इसकी मांग भी बढ़ने वाली है। इससे कर्नाटका के लोगों का, कर्नाटका के छोटे छोटे किसानों का बहुत फायदा होने वाला है। साथियों, 2047 में भारत जब एक विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब दिल्ली कर्नाटका संघ भी अपने 100वें साल में प्रवेश करेगा। तब भारत के अमृतकाल के गौरव में आपके योगदानों की भी चर्चा होगी। इस भव्य समारोह के लिए और 75 साल की इस यात्रा के लिए मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं पूज्य संतों का भी हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि पूज्य संतों ने हमारे बीच आकर के हम सबको आशीर्वाद दिए, हम सबको प्रेरणा दी। मैं पूज्य संतों का भी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ,
इसके लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय।